डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अकेले नहीं मिल रहा है, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। कैसे आई चोट, क्या चोट से होगी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन, किसकी चूक से आमिर को लगी चोट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, बॉलीवुड के तीन खानों में से एक खान, जिनको हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, खैर आप सबको पता चल ही गया होगा कि हम बॉलीवुड के किस एक्टर की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आमिर खान की, जो अपनी अपकमिंग मूवी को लेके बहुत चर्चाओं में चल रहे हैं। इसी बीच एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ हमारी क्यूटनेस की दुकान के साथ। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लाल सिंह चड्ढा की पूरी टीम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर सीन के लिए लद्दाख गई हुई है। वहां से हमें ये पता चला है कि आमिर को इस वॉर सीन के दौरान बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं, जिससे अभी फिलहाल फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। आप सब अपने फेवरेट एक्टर की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रेयर करते रहिएगा कि जल्दी ही वो रिकवर होकर अपने शूटिंग शेड्यूल पर वापस लौट सकें और जल्दी से फिल्म की शूटिंग खत्म करें। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इतने इंतजार के बाद फिर एक बार आमिर के फैंस को अपने एक्टर की मूवी के लिए वेट करना होगा, कभी केजीएफ चैप्टर 2 के क्लैश होने की वजह से, तो अब आमिर की रिब्स इंजरी की वजह से। तो क्या इस देर की वजह से आमिर को चुकानी होगी अपनी फिल्म की लो पब्लिसिटी से। दरअसल बात यह है कि आमिर भी ये बात जानते हैं, अगर ऑडियंस किसी भी मूवी का बेसब्री से इंतजार करती है तो उसमें थोड़ी सी भी देर होने से ऑडियंस का इंटरेस्ट उस फिल्म से हटने लगता है। इसलिए तो आमिर ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया अपनी हेल्थ को किनारे करके। क्या है वो बोल्ड स्टेप आमिर का, सोचिए विचारिए जरा, आपके मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ऐसा क्या स्टेप लिया होगा जिसको लेके लोगों के बीच उनकी तारीफ बहुत हो रही है। नहीं सोच पाए ना, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बात यह है कि अपनी सीरियस रिब इंजरी के बाद भी आमिर खान ने अपनी फिल्म की शूटिंग को रुकने नहीं दिया, बल्कि वो पेन किलर्स लेके अपनी फिल्म की बाकी शूटिंग को पूरा कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आमिर को इतनी चोट लगने के बावजूद भी वो फिल्म की शूटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि वो अपनी 3 साल पहले फ्लॉप हुई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सदमे से उभर नहीं पाए थे, इसलिए वो अपनी मूवी से अब कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इतने त्याग और मेहनत के बावजूद ये मूवी क्या कमाल कर पाती है बॉक्स ऑफिस पर। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आमिर को इतनी सीरियस रिब इंजरी आखिर हुई कैसे, क्या वो कहीं से गिरे या कोई चूक हुई उनके साथ। अब आप सबको तो पता है कि लद्दाख में आमिर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और लद्दाख फेमस है अपने लंबे ऊंचे पहाड़ों के लिए। अब जब वॉर सीन की शूटिंग हो रही है तो वाजिब सी बात है कि पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा ही। इन्हीं पहाड़ों पर चढ़ते वक्त उनका पैर स्लिप हो गया और उनको चोट लग गई। उनके साथ उनकी पूरी टीम भी थी और उन्होंने सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो किए थे, फिर भी उनकी और उनके एक्सपर्ट्स की छोटी सी चूक की वजह से उनको इतनी गंभीर चोट आई है। तो आप सबको क्या लगता है, क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे और भी नई बॉलीवुड की अपडेट्स के साथ, तब तक आप जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक खुश रहें, सेफ रहें एंड बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें।